हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी शरीर की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, हमारे शरीर में गांठें बनने शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है हार्ड वाली गांठों की, यहाँ पे लाइपोमा की बात नहीं हो रही है। लाइपोमा के लिए मैंने एक विशेष वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लगभग 10 मिनट का, 11 मिनट का वीडियो है। अगर आपको लाइपोमा की समस्या है, चर्बी की गांठ की समस्या है, तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है जिनको हार्ड गांठ हो जाती है, हड्डी की गांठ हो जाती है। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं तो सर में, माथे पे हमें हड्डी की गांठ देखनी शुरू हो जाती है। बहुत पेशेंट हैं ऐसे, तो छूने में वो मूव नहीं होती हैं और वो पूरी ठोस हैं, सॉलिड हैं, बिल्कुल हड्डी की तरह हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि इसके मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि आप इसको कुछ मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। वो मेडिसिन मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में बताई हुई हैं। तो सर में मोस्टली देखा जाए, फोर हेड में या फिर हमारे हेड में गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, बोन ग्रोथ हो जाती है। सेकंड, हमारे जो जो लेग्स वाली बोन है उसमें भी कई तरह की ग्रोथ देखी गई है, खास करके जो हमारी हील है, जो एडी है, उसमें भी कई बार ग्रोथ देखी गई है, तो बोन ग्रोथ वो हो जाती है। तो इसके क्या कारण है, यहाँ पे जस्ट हम कारण के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर आते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर में हम देखेंगे वहाँ पे केवल इंजरी आती है, चोट लगना आता है। जैसे सपोज कीजिए क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते समय हमारे पैर में अगर हम बिना पैड के खेलते हैं और हमारे लेदर की बॉल लग जाए, तो हमारे अगर नी जॉइंट से थोड़े नीचे लग जाए, तो वहाँ पे हड्डी होती है टीबिया, उसमें अगर उसमें बॉल लग जाए तो कुछ दिनों बाद देखा जाता है मोस्टली केसेस में वहाँ पे उभार आ जाता है, तो वहाँ पे हड्डी बढ़ जाती है। तो इंजरी के बाद भी कई बार देखा गया है, चोट लगने के बाद भी किसी भी तरह से, चाहे चोट लग रही हो, यानी कि बॉल लगने से ही किसी भी तरीके से आपको चोट लग रही हो, आप गिर गए हो, एक्सीडेंट हुआ हो, बॉल लग गई हो, छत पे से गिर गए हो, चलते हुए गिर गए हो, अपने घर में गिर गए हो, तो आपको चोट लगी, चाहे वो आपको हाथ में लगी या फिर कहीं भी, तो मोस्टली केसेस में देखा जाता है वो जब हील होता है एरिया, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हील हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे हड्डी उभार ले लेती है, ठीक है। तो वो हड्डी की गांठ बन जाती है, नॉन लिथल है, उसका कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है और वो पेन भी नहीं करती है, ठीक है। इसी तरीके से हील में कई बार जो हमारी एड़ियाँ होती हैं, खासकर फीमेल्स के अंदर, वहाँ पे निकल जाती है, एक हड्डी देखा जाता है, तो बहुत पेन करती है, क्योंकि वो प्रेशर वाले एरिया में, इसलिए वो पेन करना शुरू कर देती है। होम्योपैथी दवाई से वो हड्डी कई बार ठीक भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, और कई बार वहाँ का पेन भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर जो मैंने आपको बताया इंजरी का। नेक्स्ट आता दोस्तों इसमें इसमें जो है कोई ट्रीटमेंट की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको एक्सटर्नली हुई है, चोट लगने के बाद हुई है, क्योंकि वो देखा जाए तो नॉन पेनफुल है, उससे कोई भी ऐसी आपको समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा कारण चला हुआ है जिसकी वजह से हमें जो है बॉडी के अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसमें अब हो सकता है कि कैल्शियम या फिर विटामिन या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, कोई कैल्शियम की वजह से आपको हो रही हो कि हाइपर कैल्शियमिया हुआ है, बॉडी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है, या फिर कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर कैल्शियम कहीं एक जगह इकट्ठा होकर निकलने लगा है, या फिर कोई विटामिन की वजह से, जैसे विटामिन डी होता है, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। पैराथायरॉयड के ग्लैंड जब भी डिस्टर्ब होती है, तो इस तरह की समस्याएँ सामने आती हैं। एक्सेस में अगर हम विटामिन डी का सेवन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेस में अगर हम कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली देखा जाए, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पर डे होती है 1200 से लेके 1500 तक, लगभग मिलीग्राम पर डे तक हमें जरूरत पड़ती है। अब इसको आप बहुत ज़्यादा में लेंगे, दिन में अगर तीन तीन कैल्शियम की टैबलेट लेंगे, तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि हम दूध से भी लेते हैं, हमें और चीज़ों से भी कैल्शियम मिलता है। तो कई दिनों तक जब ये प्रोसेस चलता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये गलती करते हैं अधिकतर जिनको पेन रहता है, जिनके शरीर में दर्द है, तो कोई रिश्तेदार बता दे, कोई फ्रेंड बता दे कि भाई कैल्शियम ले ले, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा रिलीफ लगता है, तो पेशेंट उसको लेना शुरू कर देता है। अब क्या करते हैं भाई, दो दो तीन तीन महीने दबा के कैल्शियम ले रहे हैं, बॉडी को जितना एब्जॉर्ब करना था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होगा। कैल्शियम अगर हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, किडनी में इकट्ठा हो रहा है, तो वही कैल्शियम फॉस्फेट की जो स्टोन्स बननी शुरू हो गई हैं, पथरी बननी शुरू हो गई हैं, अब चाहे वो जाके डिपॉजिट किसी पर्टिकुलर पार्ट में होने लगा, तो फिर वो बोनी ग्रोथ होने लगी, हाइपर कैल्शियम वाली कंडीशन हो गई है, तो बोनी ग्रोथ हो सकती है, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा मिलता है, ठीक है, तो जो कि फॉस्फेट रियल स्टोन्स भी बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये ही कारण होते हैं, कोई ऐसा अलग से कोई स्पेसिफिक कारण इसका नहीं है। कुछ लोगों में अपने आप भी जो है गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, उसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कारण ऐसा नहीं मिला है। तो इनकी क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, इसका मैंने वीडियो बनाया है, वो आप दवाइयाँ लेके देख सकते हैं, और आपके आसपास जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए,
चैनल पे नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।